मोहम्मद इदरीस साहब, बुखारी शरीफ में हुज़ूर पाक का इरशाद है कि इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझको नमाज पढ़ते देखते हो। सवाल यह कि हुज़ूर ने किस तरह नमाज पढ़ी, जबकि बुखारी शरीफ में हुज़ूर ने रफ़ा यदैन की नमाज पढ़ी है। बुखारी शरीफ में हुज़ूर ने रफ़ा यदैन की नमाज पढ़ी है। देखिए, हुज़ूर ने मुख्तलिफ तरीक़ों इख्तियार किए मुख्तलिफ औकात में। अब सहाबा का तर्ज अमल ये होता था कि मसलन एक रिवायत आती है कि एक सहाबी हुज़ूर से मिलने आए, कोई बदबूई थे, देहात के आदमी थे, उन्होंने हुज़ूर को देखा कि आपका गरीबान खुला हुआ था, आपने बटन लगाए हुए नहीं थे। फिर उन्होंने सारी उम्र अपने गरीबान के बटन नहीं लगाए कि मैंने मोहम्मद को इस तरह देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये उनका जज्बा है, उनकी नेकी है, इत्तेबा का जज्बा है। या एक सफर में किसी को देखा, किसी ने देखा कि हुज़ूर एक दरख्त के नीचे से होकर गुजरे, अब वो जब भी जाते थे उधर उसके नीचे से होकर गुजरते थे, चाहे उसकी कोई मकसद नहीं, लेकिन ये भी एक इत्तेबा का जज्बा है। तो इसमें यह है कि नमाज की बास चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें मालूम होता है कि हुज़ूर कुछ उसमें रद्दो बदल करते रहे। कभी आपने हाथ बिल्कुल खुले छोड़कर भी नमाज पढ़ी है, कभी आपने हाथ नीचे बांधे हैं, कभी ऊपर बांधे हैं। इसी तरीके से रफ़ा यदैन कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने वो की है जैसे कि अहले हदीस हज़रात करते हैं, और जैसे कि ये शिया करते हैं वो उससे भी ज़्यादा करते हैं रफ़ा यदैन। अहले हदीस से आगे हैं, वो बहुत आगे हैं रफ़ा यदैन के अंदर। और एक राय ये है कि हुज़ूर ने आखिरी ज़माने में आकर सारे रफ़ा यदैन छोड़ दिए थे, सिवाय यही जो तकबीर तहरीमा के वक्त है। अब ये रवायात, अब ये बहस हो जाएगी इल्मी, किस रिवायत का क्या मुकाम है, किसकी क्या हैसियत है। बुखारी शरीफ में जो रिवायत है वो यही है रफ़ा यदैन की, जो आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये कि बुखारी शरीफ वाहिद किताब तो नहीं है उस हदीस की, मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक एक किताब है, और इसी तरीके से और जो, और इसमें यह कि इमाम मालिक के पैरोकार, हालांकि इमाम मालिक मदीने के दारुल हिजरा के इमाम हैं, वो रफ़ा यदैन नहीं करते। इमाम शाफी के करते हैं, इमाम मालिक के नहीं करते, इमाम अबू हनीफा के नहीं करते। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। असल जो मौजज़ा है हुज़ूर का और इस्लाम का वो ये है कि 1400 बरस गुजर गए लेकिन नमाज के ज़िमन में इतना इख्तिलाफ़ नहीं है कि तमाम मुसलमान बाजमात नमाज ना पढ़ सकें। देखिए, रफ़ा यदैन करने में जमात टूटी नहीं, आपने किया या नहीं किया, जमात की फॉर्मेशन बरकरार रही। फ़र्ज़ कीजिए कोई शख्स ये समझता कि पहले सजदा है फिर रुकू है, तो अब ये दो आदमी साथ नमाज नहीं पढ़ सकते जिनमें से एक के नज़दीक पहले रुकू है फिर सजदा है, दूसरा ये समझता कि नहीं पहले सजदा फिर रुकू है, नहीं हो सकता, उनकी जमात अब जमा नहीं हो सकती। या किसी का ये ख्याल हो कि जैसे हर रकत में रुकू है कि सजदा भी एक है, वो एक सजदा करके खड़ा हो जाए, अब जाहिर बात है दूसरा शख्स जिसके नज़दीक दो सजदे वो एक और सजदा करेगा, फॉर्मेशन टूट गई, अब वो साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। 1400 बरस बीत गए, मशरिक बईद से मगरिब बईद पूरी दुनिया, आज तो कोई कोना है ही नहीं जहाँ मुसलमान ना हो, लेकिन जो सॉलिड मुसलमान जो है वो तो आप समझिए कि इंडोनेशिया से लेकर मौरितानिया तक तो मुसलमानों की कितनी बड़ी तादाद। लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि आपकी फॉर्मेशन टूटती हो, कोई ऐसा मसलक नहीं है जिसमें यह ख्याल हो कि मगरिब की रकत में दो हैं जैसे फजर की है, नहीं वही तीन रकतें हैं। कोई ऐसा मसलक नहीं जिसमें यह मालूम हो कि फजर की रकतें तीन हैं दो नहीं है, कोई नहीं, असर की दो है या चार छः है, कोई नहीं, वही रकतें, वही रकत की तरतीब, पहले खड़े होना है फिर रुकू है फिर खड़े होना है फिर सजदे में जाना है फिर बैठना है फिर सजदा फिर खड़े होना, फॉर्मेशन नहीं टूटती। शिया हो सुन्नी हो और उसमें हनफी हो मालिकी हो शाफी हो हम्बली हो जैदी हो ज़ाहिरिया हो कोई भी हो कसे बाशद, तमाम मुसलमान मिलकर जमात से नमाज अदा करेंगे और उनकी जमात टूटती नहीं है। ये है जिसको हमें समझना चाहिए, ये क्यों है। सल्लू कमा रहे तो मुनी उसल्ली, कि हुजूर की को जिस तरह देखा साहबा ने नमाज पढ़ते हुए वैसे नमाज पढ़ रहे, साहबा ने वैसे नमाज पढ़ी, फिर आपके बाद ताबेईन ने उसी तरीके से नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद तबे ताबेईन ने पढ़ी, नस्लन बाद नस्ल मुंतकिल हो रहा। ताकि थोड़ा थोड़ा इख्तलाफ अगर है तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए।